फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है और मैं कृति रानी आप सभी का स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूं और अभी मैं भी नहा धो के आई हूं, नाश्ता की हूं। और देखिए आज मैंने मलाई रखी हुई थी ना, मलाई होता मैं दिखाती हूं बैक कैमरा से, उसका मैं घी बनाने जा रही हूं। और कैसे बनाती हूं ये मैं दिखाती हूं आपको, आप लोग देखिएगा। एक कटोरी से एक कटोरी था तो इसमें डाल रखा और एक इसमें है पूरा मलाई भरा हुआ, इसको मैं धीरे धीरे निकालूंगी, इसमें डालते जाऊंगी और इसी तरह सारा मलाई इससे निकाल के इसमें डालना है। और वीडियो पे बने रहिएगा, दिखाती हूँ मैं इसको पूरा, इसको इससे निकालना है घी। इसमें तो घी है ही बट इसको मंथना पड़ता है, उसके बाद निकालता है तो, और सिर्फ घी ही रहता है इसमें, जो वाटर वाला रहता है तो मट्ठा बोलता वो निकल जाएगा। और देख सकते हैं सारा मलाई इसमें मैं डाल दी हूँ और इसमें थोड़ा थोड़ा गर्म पानी डालेंगे। इसको ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करते जाना, क्योंकि मैं एक ही हाथ से कर रही हूँ ना, एक हाथ से इसको पकड़ना है और एक हाथ से, क्योंकि एक हाथ से वीडियो बना रही हूँ तो इसको ऐसे ऐसे करते रहना। उसके बाद फिर मलाई ऊपर होगा तो मैं वो भी दिखाऊँगी, सारा मलाई इसमें रखूँगी, ठीक है। रिकॉर्ड नहीं कर पाई देखें, अभी यहाँ पर थोड़ा सा बिजी हो गई थी और भूल गई थी मैं बस यहाँ तक। वो अभी इसमें बहुत टाइम एक घंटे से चढ़ाई हुई हूँ, अभी नहीं हुआ। और इसमें थोड़ा सा कम डाली हूँ ना कि इसमें अब घी निकलने वाला है, और इसमें डाल दिए क्योंकि ये कढ़ाई से उबालाने लगता है ना तो बहुत ज़्यादा फेंकने लगता है, इस वजह से इसमें ही चढ़ा दी बहुत ज़्यादा था। और देखिए प्रोसेसिंग, और वो 15 से 20 दिन का घी मलाई रखे हुए थे, उसको जमा करके 15-20 दिन का था फ्रिज में रखे, उसमें बीच बीच में ये दही होता है ना, दही भी डालना पड़ता है, इसमें खट्टापन जैसा महक भी आ रहा है, इसका खुशबू खट्टा खट्टा जैसा। देखिए अब धीरे धीरे ये हो रहा, लग रहा है जैसे खोआ बना रहा, धीरे धीरे इससे घी निकलेगा। इसको अभी और बहुत लॉन्ग प्रोसेसिंग है इसका, अभी होगा उसके बाद फिर दिखाऊंगी मैं। और इससे देखिए अब घी निकल रहा है, दिख रहा होगा आप लोग को, देखिए अभी और निकलेगा। और ये जो वाइट वाइट दिख रहा है ये, और देखिए ये वाइट वाइट दिख रहा है, ये पूरा रेड कलर में हो जाएगा ब्राउन एकदम से। और ये इतना सारा घी, ये थोड़ा था ना इसमें से निकल गया जल्दी, और इसमें तो एक घंटे से बैठे बैठे एकदम से मेरा मन भी ये हो गया है, लेकिन हो नहीं रहा है, कितना देर लगेगा। ये भी होगा, अब होने पर हो गया है, बहुत जल्द होगा। ये उड़ रहा है बहुत पूरा, ये मतलब इसमें उबाल आ रहा है ना तो ये पूरा ऊंचा ऊंचा तक उड़ रहा है। और मैं पहले से आप लोग को नहीं दिखा पाई, बस यही सेम प्रोसेस था, पहले भी थोड़ा ज़्यादा था ना तो वो धीरे 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 कम हो रहा है, एक ये इसमें भरा हुआ था वो तो आप देखे ही। और ये बस होने पर है थोड़ा सा, और इसको भी मैं कढ़ाई में ही डाल दी क्योंकि बहुत देर लग रहा था, ये जो है ना बहुत गर्म मोटा होता है ना तो इसमें बहुत देर लग रहा था, क्योंकि ये होने पर हो गया है, ये हो ही गया, बंद करेंगे 5 मिनट में। और ये भी इसमें ज़्यादा था नहीं, उसमें कम है इस वजह से भी, तो अब ये भी जल्दी ही हो जाएगा, बट उसमें बहुत देर लग रहा था। और ये हो गया, इसका गैस ऑफ कर दी है, इसको ऐसे ऐसे करना पड़ेगा नहीं तो नीचे गिर जाएगा, बहुत उबाल आ गया, इसको बंद कर दिए हैं। ये थोड़ा सा इसका जो ये है ना फैन जैसा, इसको हाँ बंद कर दिए, इसको फिर चालू करेंगे क्योंकि ये गिर रहा था इसी वजह से। और ये अब रेडी हो चुका है, और बोले थे ना मैं ये ब्राउन हो जाएगा, देखो ब्राउन हो गया है। और फ्रेंड्स ये जो उड़ रहा है ना, ये इससे मैं जल गई, मेरे गाल में ही उड़ के पड़ गया, ये घी जो चिपक गया, बहुत जलन हो रही है, ये पूरा जो उड़ रहा है ना पूरा मुंह में उड़ के पड़ गया ये। अब मेरा ये भी घी रेडी हो चुका है, देख सकते हैं घी निकल गया, अब इसको थोड़ा सा जलने देंगे, इसी तरह ब्राउन हो जाएगा ये भी, फिर ये घी मुझे जला दिया, बहुत जलन भी हो रही है मुझे गाल में, देखिए
इतना सारा घी निकल गया और ये भी घी अब बन के रेडी हो चुका है। गैस को ऑफ कर दिए, अब इसको ऐसे ही इसको चलाना है। ये घी जो बन रहा था ना उड़ के पड़ गया, मेरा मुंह में पूरा जल गया है। ये सब में भी जलन दे रहा बट इतना ज़्यादा लगा है तो दवाई लगाई हुई, बहुत जलन हो रही है मुझे। और वो ठंडा होगा तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी क्योंकि बहुत मुझे जलन हो रही है घर में। ये उड़ रहा था ना, ये डबकता है ना जिसको बोलते हैं, मतलब ये उबाल आ रहा था बहुत ज़्यादा ना, तो ये उड़ने लग गया, उड़ते उड़ते पड़ गया। अभी ऐसे करके पूरा मुझे जलन हो रही है, पूरा इस साइड में ये सब सब जल रही है मुझे। लेकिन इतना में ही ज़्यादा पड़ा था, मम्मी लगाई है, इधर भी लगाना था लेकिन इधर नहीं लगाई, बहुत जलन हो रही है मुझे। उस जगह पता नहीं फोड़ा वगैरह हो जाएगा क्या, बहुत बहुत दर्द हो रही है और जलन भी हो रही है मुझे। मम्मी निकाल रही है घी को, सारा निकल जाएगा ना तो फिर थोड़ा ज़्यादा है, फिर इस वजह से इसे छान के निकालेगा, नहीं तो वो वाला रेडीडेट सब चला जाएगा ना इसमें, इसी वजह से। उसके बाद फिर इसको छानेंगे, वो भी मैं दिखाऊंगी। और देखिए इसमें ऐसे मेरे एक हाथ में पकड़ी भी हूँ, इस वजह से नहीं अच्छे से बन रहा करने में। देखिए ऐसे करके मैं पकड़ी भी हूँ एक हाथ से, इधर मम्मी ने सारा इसमें ये कर दी, ये छना भी गया और घी उसमें चला जाएगा। देखिए अभी ये ऐसे टांग देंगे इसको, घी गिरते रहेगा, इसको बांध के ना खूंटी में टांग देंगे। और ये मेरा घी इतना हो गया, अब ये थोड़ा ठंडा होगा तो मम्मी शीशा में डालेगी जार में। ये देखिए देसी जुगाड़, ये सब लोग खुट्टी में लगा के उसको बांध दिए हैं। और ये जो नीचे गिर रहा है, गिर के पूरा इसमें जमा हो जाएगा, इसको कहते हैं गाइस देसी जुगाड़। मेरा गाल जला हुआ फिर भी मैं हंस रही हूँ इतना। यदि पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और जैसे ये भोला बाबा के जल चढ़ाते हैं ना तो ऊपर में मटका लगा हुआ रहता है और